नारुतो ओरिजिनल के टोटल आर्क थे 22 और नारुतो शिफुडिन के थे 27, तो दोनों को मिला के और फिलर्स को इंक्लूड करके 49 आर्क होते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये चीज़ तो हम सबको पता है कि नारुतो सीरीज जाना जाता है वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन, प्लॉट, इनक्रेडिबल आर्क और इनक्रेडिबल कैरेक्टर्स के लिए। और आज हम उन्हीं इनक्रेडिबल आर्क में से एक आर्क के बारे में बात करने वाले हैं, और ये आर्क को नारुतो का ही नहीं बल्कि एनिमे हिस्ट्री का भी वन ऑफ द बेस्ट आर्क माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेन आर्क के बारे में। ये वो आर्क है जब नारुतो सीरीज अपने पीक में थी, और अगर आप इस आर्क के बारे में किसी नारुतो फैन से कहोगे कि ये आर्क कैसा लगा, तो वो एक ही जवाब देगा, नारुतो ओरिजिनल सीरीज के टाइम स्किप के बाद मसाशी किशिमोटो ने स्टोरी का पूरा फोकस अकात्सुकी को लिखने में दे दिया, और यहीं से किशिमोटो की एक विलन के कैरेक्टर को लिखने की ट्रू स्ट्रेंथ सामने आई। और यही रीजन है कि नारुतो शिफुडिन का मोस्टली आर्क फोकस्ड अकात्सुकी के ऊपर था, और फाइनली जब पेन आर्क आया तो मानो जैसे इसने पूरी एनिमे कम्युनिटी में आग ही लगा दी हो। और इस आर्क के आने के बाद लोगों ने कहा किशिमोटो इज वन ऑफ द बेस्ट एंटागोनिस्ट राइटर। तो फिर ये सवाल आता है कि पेन आर्क में ऐसा क्या था जो इसे बनाता है द बेस्ट आर्क। इसके बहुत से रीजन है, पर उनमें से एक है हाइप और इसका बिल्डअप, क्योंकि अकात्सुकी के सारे मेंबर्स इताची, किसामे और तोबी को छोड़ के बाकी के सारे मेंबर्स को नारुतो और उसके दोस्तों ने मार ही दिया था, तो सभी को ये लगा कि पेन ही लास्ट विलन है और मैक्सिमम लोगों ने इसे ही फाइनल शोडाउन समझ लिया था। यहाँ पर हमने बहुत सी डीप कुर्बानियां भी देखी अपनों को बचाने के लिए। जहाँ पर जिराया ने पेन को जानने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, वहीं काकाशी ने खुद को चोजी और उसके फादर को बचाने में सेक्रीफाइस कर दिया। और यही वो आर्क था जहाँ पर हमें काकाशी और उसके फादर साकुमो हटाके को जानने का मौका मिला। इस आर्क को इंजॉयबल आर्क बनाने का एक और रीजन है, और वो है हीरोज के विलेज पे डायरेक्ट अटैक करना और उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना। वैसे तो हिडन लीफ पे कई लोगों ने अटैक किया था, लेकिन उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किसी ने नहीं किया, लेकिन इनका डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा था कि विलेज को बहुत ज्यादा टाइम लग गया इससे रिकवर होने में। इस आर्क में लोगों के सैक्रिफाइसेस ज्यादा तो थे ही, पर स्टेक्स भी बहुत ज्यादा थे। जहां पर सभी लोग एक के बाद एक पेन के हाथों मारे जा रहे थे, वहीं नारुतो के नाइन टेल फॉक्स का कैप्चर होने का भी खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, बिकॉज एट टेल को छोड़ के सारे टेल बीस्ट कैप्चर हो चुके थे, और अगर नाइन टेल भी कैप्चर हो जाता तो डिस्ट्रक्शन नेक्स्ट लेवल की होती। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है पेन की आइडियोलॉजी। इस आर्क के बाद हमें पता चला था कि किसी स्टोरी को इम्पैक्टफुल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक विलन की आइडियोलॉजी का होना। और इस आर्क में हमने देखा कि पेन का भी मकसद पीस लाने का होता है, पर उसके लिए उसके पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता, इसलिए जब वो सवाल नारुतो से करता है तो नारुतो के पास भी कोई आंसर नहीं होता। और इसी को देखते हुए पेन समझ जाता है कि पीस सिर्फ एक इल्यूजन है, और पीस को समझने के लिए पेन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वो आर्क है जहाँ पर हमें कुशीना और मिनाटो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और यही वो आर्क है जहाँ पर नारुतो आंसर करता है कि पेन को सिर्फ पीस से ही ख़त्म किया जा सकता है। और इसी आर्क में हमें नारुतो के टोकनो जुत्सू को भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखाया गया है। यही वो आर्क है जहाँ पर लोग उससे डरना बंद कर देते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये आर्क बेसिकली इमोशंस का रोलर कोस्टर है। इस आर्क में वो सब कुछ था जो एक नारुतो फैन को चाहिए था। वैसे तो इन सब के सिवा भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि पेन आर्क को बेस्ट बनाते हैं, पर ये जो पॉइंट्स बताए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस आर्क को बेस्ट बनाने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट्स में बताओ आपको पेन आर्क का कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।